जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर जा रही बस पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी से शिवकोड़ी जाते वक्त हिंदू श्रद्धालुओं पर पाकिस्तान समर्थित इस्लामी जिहादी आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द केंद्र सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर विदेशी ताकतों पर अंकुश लगाए ताकि देश में इस तरह के कायराना हमले न हो। वहीं बजरंग दल मातृशक्ति युवावाणी ने अजमेर में समुदाय विशेष के युवकों द्वारा नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के विरोध में जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और देश में लव जिहाद कानून बनाने की मांग की। मावली कस्बे में चारों ओर संयोजक उदयपुर महानगर, अभी जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाके में जिहादी आतंकवादियों के द्वारा वैष्णो देवी जो हमारे तीर्थ यात्री जा रहे थे उस पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला कर निर्मम हत्या की गई, जिसमें 10 बालिकाएं, माताएं, बहनों सहित 10 जनों की उसने हत्या की। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महोदय से हम ये निवेदन करते हैं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।